विषय शामिल कर लेते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर 3 मिनट में सिर में चोट लगने की वजह से एक शख्स की मौत हो जाती है। ब्रेन और बॉडी का कोऑर्डिनेशन अच्छा रहे इसके लिए योग के साथ साथ क्या कुछ घरेलू थेरेपी के बीच में बता दीजिए, क्या कुछ कर सकते हैं। बड़े हैरान करने वाली रिपोर्ट है ये। ये जो ब्रेन डेथ, हार्ट अटैक से डेथ, ब्रेन स्ट्रोक से डेथ, तो देखो एक तो एक्सीडेंटल डेथ होती है, उनको भी टाला जा सकता है बहुत हद तक। उसके लिए तो जिनको ऐसे अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाए उनको भी, जो थोड़े होश में आ जाते हैं उसके बाद एक्सीडेंट के बाद, उनको बोलो एक तो प्राणायाम करो, उनको ऐसे ये धमाकेदार भस्त्रिका नहीं कराना, वो कर भी नहीं सकेंगे, उनको धीरे कराना। देखो ऐसे आराम आराम से भस्त्रिका करने से, आराम आराम से अनुलोम विलोम करने से, और मेधावटी मेमोरी ग्रिड ओमेगा एक एक दे दें, और उनके आस पड़ोस में ऐसे ये गाय के घी से हवन करना। जिस भी कमरे में उनको रखो, लोग घर के अंदर सारी चीज़ें कर लेते हैं, देखो कितने नादान लोग हैं, कितना अविवेक है अभी भी। हम घर में आईसीयू बना लेंगे, ऑक्सीजन मशीन भी लगा लेंगे, सारे यंत्र लगा लेंगे, लेकिन इन चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। तो मेधावटी मेमोरी ग्रिड और ओमेगा ये तो एक एक लेना, और अनुलोम विलोम ज़्यादा करना, उनको तिल फ्लैक्सीड इसका कूट करके थोड़ा गुड़ मिला करके, या इसमें थोड़ा खजूर थोड़ा बादाम अखरोट मिला करके इसको चूरा करके इसको पिला देना। कई बार नाक से नली से भोजन देना पड़ता है, तो उसी के अंदर एक मेधावटी एक मेमोरी ग्रिड एक ओमेगा थोड़ा सा बादाम अखरोट इसका पेस्ट बना करके आहार नली से भी आहार देना पड़े तो उसके साथ ही देना चाहिए। और मैंने देखा जो कोमा में चले गए थे वहां से भी लौट आते, मेधा क्वाथ का काढ़ा बना करके पिला देते हैं। ये बड़ी चीज है, ये अनुलोम विलोम, और फिर ये पॉइंट दबाने चाहिए अंगूठे के दोनों तरफ से, बीच में पिट्यूटरी ग्लैंड पीनियल ग्लैंड और ब्रेन, राइट लेफ्ट ब्रेन, और फिर इससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पैराफेरल नर्वस सिस्टम सारे अच्छे होते हैं। अंगूठे को दोनों तरफ से ऐसे ऐसे दबाते और ऐसे दबाते, फिर ये रिंग फिंगर के टॉप पर, फिर सारे ही ये पॉइंट दबा देते हैं, स्ट्रेस को भी दूर करते हैं, साइनस को भी दूर करते हैं, और ये ब्लड सर्कुलेशन को भी अच्छा करते हैं। हाथों में पैरों में ये दोनों में ये पॉइंट होते हैं, ये ऐसे, और साथ में ये पीछे का पॉइंट भी थोड़े दबा दें, ये पीछे के जो चैनल्स हैं ना, तो इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। और एक्सीडेंट के कारण से जिनको, कईयों को तो फिर जिंदगी भर तक मलमूत्र का बोध भी नहीं होता है जी, किसी के हाथ पैर चले जाते हैं तो फिर किसी का फिर मेमोरी चली जाती है, वो भी वापस लौटती भी मैंने देखी है, और कोमा से मैंने लौटते हुए कई तो इंडिया टीवी पर मैंने लाइव एग्जांपल्स दिए हुए। फिर ऐसे ही लोगों की मेमोरी लॉस हो जाती है, और कई बार कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से खून गाढ़ा हो जाए थिक हो जाए उससे भी स्ट्रोक आ जाता है। तो क्या करें, तो ये करें कि कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े लहसुन कल्प करें। लहसुन कल्प कफ के लिए, कोल्ड के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ओबेसिटी के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, ब्रेन स्ट्रोक के लिए परम औषधि है लहसुन। लहसुन की कली थोड़ी सेक करके गाय के घी में, उसकी दुर्गंध, उसका तीखापन, उसका जो पित्त है और तामसिकता है खत्म हो जाए। लहसुन कली 1, 2, 3 से शुरू करके फिर 3 से 4, 5 रोज 1, 1, 2, 2 बढ़ाते रहे, बढ़ाते हुए 10, 11, 25 कली तक मैंने खिलाई है लोग, अर्थराइटिस खत्म, कोलेस्ट्रॉल खत्म, हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स, पूरा सारे शरीर के दर्दों का खात्मा, और इम्यूनिटी इतनी जबरदस्त। लहसुन से सस्ती और क्या चीज, ठीक है आजकल तो लहसुन भी मैंने सुना थोड़ा महंगा हो गया स्वामी जी, बहुत महंगा हो गया, सस्ता चलता रहता है लहसुन, जब सस्ता हो तब खरीद के स्टॉक कर लिया करो, लहसुन खराब नहीं होता, 500 रुपए केजी तक मिल रहा है स्वामी जी लहसुन, तो लहसुन बड़ा जबरदस्त।
लेकिन आप स्वामी जी दिमाग पे बोझ बढ़ गया होगा, लोग लहसुन सुन के कि इतना महंगा है, लेकिन दिमाग के ऊपर कई बार क्या होता है बीमारियों का असर होने लगता है, तो उन बीमारियों की जरा बात कर लेते हैं। सबसे पहले होगी एपिलेप्सी की बात। अब स्वामी जी क्या होता है कि जिनको एपिलेप्सी होता है ना, तो वो बहुत महसूस करते हैं, शर्म महसूस करते हैं, अब वो अपनी बीमारी को छुपाते भी हैं, लोगों से बात नहीं करते इस बारे में। तो अब ऐसा क्या उपाय है कि उनको एपिलेप्सी छुपाने की जरूरत ना पड़े, ताकि प्रॉब्लम आगे ना बढ़े, और साथ ही योग और आयुर्वेद में तो जरूर इसके समाधान होंगे जो आप इनको बताएंगे जो इस एपिलेप्सी से ग्रस्त नहीं होती है। झूठी बात है जी, ऐसे ही जैसे लोग कहते हैं बीपी शुगर थायराइड ठीक नहीं होता, हमने बीपी मुक्तावटी बीपी ग्रिड से, शुगर मधुनाशिनी मधु ग्रिड से, थायरोइड ग्रिड से, थायराइड प्रोस्टेट ग्रिड से, प्रोस्टेट आय ग्रिड से, आंख ईयर ग्रिड से, कान और कार्डियोग्रिड एंड हृदय ग्रिड से, हार्ट को रिवर्स कर दिया डिजीज को, पूरा पूरा शरीर जो जर्जरित हो जाता है, पूरे शक्ति की शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है, उसको हमने दोबारा उभार दिया। कमजोरी बीमारी है, दिमाग की नसें कमजोर हो जाती है, जिसको ब्रेन की न्यूरॉन्स कहते हैं, उनके स्नैप्स होते हैं, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन होता है, एक दूसरे को सिग्नल भेजते, सिग्नलिंग ब्रेन की गड़बड़ हो जाती है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या क्लोट आ जाता है, या कोई कीड़ा अंदर दिमाग में जाके घर बना लेता है, कई दिमाग में कोई चोट लगने से, कई बार बहुत ज़्यादा शॉक लगने से, गम से एपिलेप्सी हो जाती है, और एक बार शुरू हुई तो दिमाग की नसें कमजोर होगी। मेन बात वही है जी। जो अंदर कीड़ा अंदर घर में कैल्सिफिकेशन हो जाता है दिमाग में, वो तो ठीक हो जाएगा अर्जुन की छाल दालचीनी से, बाकी मैदा वटी और ये ओमेगा ये खाने के बाद ले लेना, ये देखो ये खाने के बाद लेना है मैदा और ओमेगा, और ये जो मेमोरी ग्रिट है खाली पेट दे, और ये इसके काढ़े के साथ पिला दे, ये जो मैदा क्वाथ है ना ये बड़ा ज़बरदस्त, और किसी को मिल जाए तो आज पीपल की छा ये जो है ना जटा, जैसे बड़ की जटा है ना ऐसे पीपल की जटा, ये मैं पिछले 30 सालों से कर रहा हूँ, हमें एक महात्मा ने बताया था और हमने इसको अपनाया, ये एपिलेप्सी के लिए रामबाण। सारस्वतारिष्ट अश्वगंधारिष्ट भी बहुत अच्छा, और जो अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था ये ब्राह्मी घृत, गाय का घी खाना भी, और गाय के घी से हवन भी करना, ये भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। हाँ, गाय के घी को खाना, गाय की घी एक दो चम्मच खाली पेट खा ले, खाने के साथ खाया हुआ घी शरीर को पूरा लगता नहीं है, वो खाना पैखाने से वो घी जो है हमारे शोध से ही निकल जाता है, इसलिए खाली पेट एक ही चम्मच खा लो, एपिलेप्सी ठीक होगी। और मैंने ठीक किया, जिनको रोज सुबह से शाम तक कई बार दौरे पड़ते थे, मिर्गी बोलो, दौरा बोलो, अपस्मार बोलो, ये सीजर्स बोलो, और इसमें अनुलोम विलोम के साथ साथ भ्रामरी उद्गीत भी बड़े महत्वपूर्ण है, आप लोग एक बार भ्रामरी करो, ये ऐसे ओम भ्रामरी उद्गीत, इसमें बड़ा लाभ करता है, ध्यान बड़ा लाभ करता है। और जो आप बात कर रहे थे ना, बोझ बहुत रहता है दिमाग पर, बोझ के साथ नहीं, बोझ के साथ ही जन्म जन्मांतरों का कर्माश है, संस्कार वासना, और इस जन्म के भी अच्छी बुरी होनी अनहोनी के इतनी याददाश्त, बुरी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद रहती हैं, अच्छी चीज़ें तो याद रहना अच्छी बात है, लेकिन ये बुरी चीज़ों का बोझ इतना बढ़ जाता है, इसलिए मैं कहता हूँ निर्भार हो करके, बोझ मुक्त हो के, बोध युक्त हो के, प्रबुद्ध हो करके हम जिए, ओहो फिर तो आनंद ही आनंद है। अभी हम देखो जो है यहाँ ऊपर कई तरह के जीव जंतु भी घूम रहे हैं, हमारे ऊपर जो है ये बड़ के पेड़ के फल भी गिर रहे हैं, और सामने से सूर्य उदय हो रहा है, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, ऐसे प्रकृति के बीच में यदि किसी को रहने का सौभाग्य मिल जाए ना, तो अपने घरों में कम से कम अपने गमलों में लगा लें, छत पे लगा लें, जिनके अपने कोठियां हैं, जो गांव में रहते हैं, अपने घर आंगन को धरती को पेड़ पौधों से सजा लें, तो फिर ये एपिलेप्सी की प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो एपिलेप्सी बड़ी खतरनाक होता है, ये होती है, बच्चों की मेमोरी भी इससे कम हो जाती है, पढ़ने में दिक्कत होती है, बाद में करियर में दिक्कत आती है, शादी ब्याह में तो बहुत ही दिक्कत आती है। हाँ, शादी ब्याह में भी दिक्कत, किसी के सगाई तोड़ानी हो या ब्याह तोड़वाना हो तो बोले इसको एपिलेप्सी आती, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, लोग कहते हैं अरे भैया ये काम में तो नहीं देना फिर तो खैर, और जो सन्यासी को दौरे पड़े तो फिर तो उसका जीवन ही नहीं चलेगा, क्योंकि सन्यासी तो एक भगवान के आश्रय से रहता है, वो कैसे अपने आप को संभाल पाएगा, इसलिए संसारी हो या सन्यासी मिर्गी के दौरे आज के बाद किसी को नहीं पड़ेंगे। हाँ जी, नंगे पैर चलते उनको भी दौरे नहीं पड़ते, इसलिए हमारे साधु संत महात्मा पहले गांव के भी बुजुर्ग लोग
नंगे पैर जरूर चला करते थे, मंदिर में भी नंगे पैर चलते हैं, उससे सारा एक्यूप्रेशर हो जाता है। स्वामी जी, किसी भी जानवर को मिर्गी के दौरे नहीं पड़ते क्योंकि वो पैर में जूते चप्पल नहीं पहनते, आदमी प्रकृति से दूर हो गया।